आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने आज क्या अहम बैठक की है और ये बैठक किस चुनाव से जुड़ी हुई है, या फिर पार्टी में आप कोई नया कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि अध्यादेश को लेकर लगातार राजनीतिक बवाल भी मचा हुआ है। देखिए, आज की जो संगठन की बैठक थी वो कई मुद्दों पर थी। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव की तैयारियों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा काले अध्यादेश के विरोध में हम एक लार्ज स्केल पे कैंपेन भी आने वाले समय में शुरू करेंगे, उस पर भी चर्चा की गई। और बहुत सारे विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, उस पर भी चर्चा की। लेकिन क्या आप अकेले लड़ने का विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात को भी कर रहे हैं कि विपक्षी दल अगर साथ में जुड़ते हैं तो फिर रणनीति अलग हो? देखिए, हमारा ये मानना है कि आज देश के लिए ये ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो असफल सरकार है, उसको हटाकर एक नई सरकार स्थापित हो। इसको स्थापित करने के लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर चुनाव लड़ने की और सरकार बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारा कुछ दारोमदार कांग्रेस पार्टी पर है। कांग्रेस पार्टी क्या अपना अहंकार छोड़ सकती है? कांग्रेस पार्टी क्या बड़ा दिल और बड़ी विजन लेकर आगे आ सकती है? क्या सबको एक साथ लेकर चला सकती है? ये कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन आप जो कांग्रेस के अहंकार की बात कर रहे हैं, क्या है, क्यों आपको ये जिक्र करना पड़ रहा है? क्या इसका कनेक्शन जो विपक्षी दलों की बैठक हुई उससे है? निश्चित रूप से जो भी एजेंडे आते हैं, जैसे काला अध्यादेश का यहाँ पर आया, तो ये हम अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहे हैं। आप केजरीवाल जी के लिए समर्थन नहीं मांग रहे हो, आप ये दिल्ली की जनता के लिए समर्थन मांग रहे हो। आने वाले समय पे दूसरी सरकारें बनेगी, कोई भी सरकार बने, इसको भुगतना तो दिल्ली की जनता को पड़ता है। तो अगर आप दिल्ली की जनता को समर्थन देना चाहते हैं तो इसका विरोध करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, ये हमारी मांग है। अदरवाइज भी जब भी एक बड़ा कोएलिशन आप बनाते हैं, बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, तो जो उसका लीडर होता है उसको बड़ा दिल रखना पड़ता है और उसको अहंकार का परित्याग करना पड़ता है। अब चूंकि ऐलान हो गया है कि संसद सत्र होगा, तो क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी के साथ? वो आने वाले समय में बता देंगे। हमने अपनी तरफ से फॉर्मली रिक्वेस्ट तो डाला ही हुआ था और हमने कई सारे फोरम पे उनसे रिक्वेस्ट किया। देखो, चूंकि ये मुद्दा दिल्ली की जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, हमें कोई अहंकार नहीं है मदद मांगने में। हम हर उस व्यक्ति से, हर उस दल से समर्थन और मदद मांगेंगे जो हमारी मदद कर सकता है इस अध्यादेश को गिराने। क्या अभी भी विपक्षी दलों की जो जुलाई में दूसरी बैठक होगी उसको लेकर आम आदमी पार्टी का यही रुख है कि कांग्रेस पहले अपना स्टैंड क्लियर करे, उसके बाद ही मीटिंग में आप शामिल होंगे, या फिर आपने ये तय कर लिया है कि विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में शिमला में जो होनी है वहाँ आप शामिल नहीं होंगे? हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा नहीं है। ये हमारी पार्टी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। बाकी अदरवाइज आने वाली मीटिंग में जाएंगे नहीं जाएंगे वो कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा।